सतनाम 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 सत फरीदा किते तेंडे मापिया जिन्नी तू जनियो जिन्नी तू ते पासों औलाद गए तू तू अजे ना अजे ना पतिनेयो चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए नानक थिर नहीं कोए जो उपजो सो बिन सहै जो उपजो सो बिन सहै परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल हर हर जन तोए एक है बिब विचार किचना जलते उपज तरंग जो जल ही जल ही बिखै समाए जल ही बिखै समा पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक माटी माटी होई एक होई Thank you.
Bandeira.
रोवन रचन रचया करतार ए तो रचन रचया करतार आवत जावत हुकम अपा जावत हुकम अपार आवत जावत हुकम अपार न को मुआ न मरने जोग मैं को मुआ न मरने जोग सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आरा ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम संपूर्ण थी आरा रचया करतार आवत जावत हुकम अपार नैको मुआ न मरने जोग न बिनते अमनासी हो जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाए विश्राम मिट गए गबन पाए विश्राम नानक प्रभ के छत कुर्बान नानक प्रभ के छत कुर्बान नानक प्रभ के छत कुर्बान न को मुआ न मरने जोग न बिन से अपनासी हो गुर कृपा जे नरको की नीत ऐ जुगत पछाने गुर कृपा जे नरको की नीत ऐ जुगत पछाने नानक लीन भयो गोबिंद सियो नानक लीन भयो गोबिंद सियो
जो पानी संग पा नै को मुआ नै मरने जोग नै को मुआ नै मरने जोग नै बिनसे अपनासी होग हर हर जन तो एक है बिब विचार पिछना है हर जन जन एक है बिब विचार पिछना है चलते उपजत रंग ज्यों चल ही बिक समाए चल ही बिक समाए चल ही बिक समाए चल ही बिक समाए चल ही बिक माटी माटी होइए माटी माटी होइए जो है जानो सो एहना है जो है जानो सो एहना है जो है जानो कहो नानक गुर परम चुकाया कहो नानक गुर परम चुकाया ना कोई मरे ना आवे रोवन हार की
कवन के रोवन हार की कवन के जिसकी बस्त सोई लह जाएगा जिसकी बस्त सोई लह नांगे आवना नांगे जाना नांगे आवना नांगे जाना नांगे नांगे जा
किसकी होवे सो पाणा मन्ने
सहजे हर रस पीजे। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरयो। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिस्ते मुख नहीं मोरयो। सहजानंद रखियो ग्रह पितर उठ उवाओ को दोरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा। सो गरक नहीं जानियो जो जो, जो हुक्म भयो साहेब का। नानक सुख दाता सदा सलाहो। नानक सुख दाता सदा सलाहो। नानक सुख दाता सदा सलाहो। सदा सलाहो सदा सलाहो। पई परापत मानुख देहोरिया। पई परापत मानुख देहोरिया। पई परापत मानुख देहोरिया। गोविंद मिलन की तेरी बरिया। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। नानक सुखदाता सदा सलाहो। रसना राम रवि जय। रसना राम रवि जय। रसना राम रवि जय। रसना राम रवि जय। रे मन रे मन राम सो कर प्रीत। रे मन राम सो कर प्रीत। सर्वन गोविंद गुण सुनो अर्का ओ रचना गीत। कर साध संगत सिमर माधो। सिमर माधो सिमर माधो। पतत पुनीत। ओ है पतत पुनीत। ओ है पतत पुनीत। ओ है पतत पुनीत। कान प्याल जो पले हो डोले मुख पसारे नीत। आज काल तू तो है गरज है समझ राखो चीत। कहे नानक
नानक कहे नानक राम भजले जात अवसर बीत। ऐसा वक्त जदों साड़ी जीवन विच कोई अपना कोई अजीज साड़ा जानकार जिदे नाल असी उठते बैठते कदी मिलते होइए वरतते होइए विचार वटांदरे करते होइए फिर एक दिन अचानक खबर आ जाए कि फलाना बंदा सदी भी कूच कर गया है। तो गुरु नानक के घर विच ऐसे वक्त विच जदों संगत जुड़ती है उसनों अरदास समागम किया जाता है। वैसे तो गुरु का सिख हर वेले उठते बैठते जागते परमात्मा नाल जुड़ के अरदास करता है, पर गुरु नानक दे घर इस अरदास का एक खास महत्व है, बड़ा वजन है इस समय की बाणी का। जीवन का वो आईना वो शीशा सतगुरु बाणी दे राही दिखा देंदे ने जिदे विच इंसान कई बार इस यात्रा विच चलदा चलदा इतना डुब जाता है। कहिंदे ने ना शरीर विच वाई बादी दा जदों प्रभाव हो जाए विगड़ जाए तो फिर वो बीमारी बन जाती है। इस तरीके नाल गुरु नानक दे घर का एक सूत्र दिता है सतगुरु ने, किरत करो नाम जपो ते वंड छको। पर जेकर इहदे विच एक भी चीज़ बैलेंस इहदा खराब हो जाए तो फिर समझ लो कि जीवन ते जी रहा इंसान पर जेकर वो रसना तो वो हिरदे विचों परमात्मा दे वाल पिट हो गई जाने अनजाने तो फिर जीवन का सब तो वड्डी जेकर कोई भूल है तो वह यही कि जिसका दिता खामना तिस कहिए सबास, पर उसनों असी भुल बैठते हैं। पर ऐसे वक्त विच जदों गुरु का सिख जुड़ता है तो सतगुरु बाणी दे राही जिहड़ा सानू सदीवी विछोड़ा दे गया है उहदे घर विच गुरु नानक दी संगत दी बहुत वड्डी महत्ता है। संगत नू गुरु नानक दे घर विच साध संगत नू बहुत सतगुरु ने ताकत बख्शिश कीती, बड़ी वड्डी रहमत दित्ती ते संगत दी कीती हुई अरदास निफल नहीं जांदी, गुरु चरणां च प्रवान हुंदी है। इस करके अज जिस विछड़ी आत्मा दे प्रथाए आपां गुरु चरणां विच एकत्रित होए हां सरदारनी हरभजन कौर जी, संसार दी जेकर निगाह दे नाल देखांगे ते संसार दी जेकर उम्र देखांगे शरीर दा जिहड़ा इक यात्रा दी जिहड़ी उहदी गिनती मिनती देखीए ते तकरीबन 80 साल। गुरु नानक दे घर विच सतगुरु ने इक बड़ी कमाल दी बख्शिश कीती है,
ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਭਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਇਆ ਨਾ, ਉਹੀਓ ਦਿਨ ਉਹੀਓ ਪਲ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਸੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਫਿਰ ਅਸਤ ਅਦਭੁਤ ਪਿਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਦਿ ਬਿਹਾਣੀਆਂ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਜਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕੇ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਜਮਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ, ਕਦੀ ਛਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹਰਨੀਸ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੋਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਇਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਿ ਬਈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸਰੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ते लागे का गुरद्वारा होवे उत्थे, नहीं ते घर बैठ के जदों तन शरीर तंदुरुस्त ना होना ते घर बैठ के ही पाठ पूजा बंदगी करनी। फिर आम तौर पर एक धारणा होंदी है कि साढ़े विच्चों कोई जदों भरी जवानी विच जां जवान अवस्था विच कोई साढ़ू छड़ के चला जावे ना ते बहुत दुख मनाया जांदा है। पर वह दुख मनाने का कारण कदी समझ के देखो कि इदां हुंदा है कि जो साढ़े सुपने असी उस बच्चे दे नाल उस जवान दे नाल असी जुड़े होंदे जो अरमान साढ़े बन जांदे ने वो अरमान भी उसदे नाल ही तुर जांदे ने। पर देखा जाए तो घर में जिहड़ा घर का बजुर्ग है घर का वड्डा ना वह बहुत वड्डी दौलत है तुहाडे कोल, बहुत वड्डी दौलत है। कारण जिंदगी दे जितने उतार चढ़ाव जिंदगी दे जितने मार्ग पड़वाट जिहड़ी वह अपने तजर्बे दे नाल लैके उन्होंने रास्तियां नूं सीधा कीता हुंदा है। और यही कारण है कि जो घर के जिस घर में बजुर्ग होण उन्हां दा जेकर आशीर्वाद मिले तो उन्हां परिवारां विच कोई मुश्किलां कोई तंगियां भी आना तो उन्हां दी गाइडेंस दे नाल उन्हां दी रास्ता दिखाण दी तरतीब दे नाल वो मुश्किलां परेशानियां कट जांदियां ने। तो जिदा कि मैनू जीवन के बारे पता लग्या कि सदानी हरभजन कौर जी कोल इतनी उम्र तक भी उन्हां दी यादाश्त दे तौर पर जिथे बाणी पाठ सिमरन उदे नाल गुरु घर दियां जितनियां परंपरावां जितनियां मर्यादा जां साढ़े संस्कार जितने सन किसी भी समय दे उन्हां नूं इक इक गल याद रहिंदी सी, भाव देसी तरीके दे नाल देसी तरीकां तों लै के जितने रीति रिवाज उन्हां नूं इक इक गल ते घर विच जितने बच्चे छोटे वड्डे रिश्तेदार भैण भरावां दा किस दिन कदों विआह होया कित्थे होया किहड़ा रास्ता किधर जांदा सारियां चीज़ां यह दस सी उन्होंने यह दाता होंदिया ने। तो इस करके जिन्ना घर बजुर्गों का सत्कार प्यार आदर माण किया जाता है और जिस घर में इसत्री के रूप च माँ धी भैन पत्नी नू सत्कार मिलता है उत्थे सतगुरु सदा ही सुखा दे वासे रखता बरकतां पाता उत्थे। ते अज इतना प्यार वाला परिवार तो साढ़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी तो एक बहुत ही होनहार साढ़े अजीज जसमैन सिंह जी नोनी जो कि इस परिवार के नाल उन्हां दा निघा रिश्ता उन्होंने राही उन्होंने सेवा सौंपी कि भाई साहब जी बहुत मेरा अजीज परिवार है साड़ी भैन इत्थे व्याही हुई है सरदार सरबजीत सिंह जी के घर तो सारा परिवार बड़ा चढ़ती कला वाला परिवार है उन्होंने वालों सेवा लगाई गई सी। तो मैं समझदा गुरु की कृपा है नौनी साहब से भी क्योंकि यह पिछले समय 400 साल जिहड़ा लाल किले विच समागम होया उहदे विच इन्हां ने बहुत वड्डी जिम्मेवारी निभाई और इन्हां दे नाल मिलके काम करन दा समां प्राप्त होया ते जो अंदाज जिस डेडिकेशन दे नाल गुरु पंथ की गुरु घर की सेवा विच छोटे वड्डे का सत्कार रखते हुए प्यार रखते हुए वधदे सतगुरु कृपा करे। इस तरीके नाल इस इलाके की एक बहुत प्यारी शख्सियत जिहड़े समाज सेवी भी ने देश की कौम की सेवा दे विच बहुत वड्डा योगदान ते तकरीबन पिछले 27-28 सालों तो गुरु पंथ के गुरु नानक के घर की प्रभात फेरी की सेवा निरंतर अपने घर विच संगत दे चरण पवांदे ने। श्री सुभाष सचदेवा जी साढ़े सबका MLA वह भी संगतां दे दर्शन कर रहे ने। पिछले समय दास ने इन्हां दे घर हाजरी भरी है आप इन्हां दे घरों इन्हां दी धर्म पत्नी बहुत निघा सुभाव और सेवा भावना और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैनूं बड़ी चंगी लगी इन्हां दे घर दी भी कि केवल प्रभात फेरी यानी कि एक इलाके दी जितनी इस इलाके विच जितनियां प्रभात फेरियां सारियां ही गुरु नानक दे घर विच संगत रूप हो के उत्थे जुड़ियां अमृत वेले दे उस समागम दिवां बहुत गुरु चरणा दे विच थले हाथ दे के सेवा लैंदे ने। सतगुरु कृपा करे माण करे इदां ही पंथ दियां कौम दियां बहुत वड्डियां वड्डियां शख्सियतां बहुत सारे धार्मिक लोग कीर्तनिए इस गुरु घर की समुची प्रबंध कमेटी गुरु के वजीर ते गुरु घर के कीर्तनिया ने जिहड़ी हुणे हुणे हाजरी भरी वह सारियां दी हाजरी गुरु दर ते प्रवान होवे। आओ पहले शब्द जो आप जी ने सरवण किए जो इस वक्त का पैटर्न हुंदा इस वक्त किदां कीर्तन किया जाता है गुरु साहब ने सारियां लकीरां इतिहास बना के दिता है कि सतगुरु कहिंदे ने पहले मौत नूं समझ लो मौत है जिहड़ा जीवन है सच है इस तो कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर दूजा की है मौत की है सतगुरु कहिंदे पवने मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत लजाया
फिर नतीजा की है इस दे हुक्म दे विच सीस निवा देना जिदा इस परिवार ने उस पाणी नूं मन के भावें शरीर अस्वस्थ सी इन्होंने सारे तरीके दे नाल जो परिवार अपने वालों उन्हां दी सेवा प्यार सत्कार रख सकता है सारा कुछ यतन किए पर जदों अकाल पुरख का हुक्म आ जाए तो फिर कहता है सतगुरु का सिख कहता है जिस ठाकुर से ओ नाहीं चारा ताको की जय सत नमस्कार। उस हुक्म दे अधीन होके गुरु की संगत दे दर्शन करन वास्ते इस अरदास समागम में जुड़े हैं ते आओ अंत विच जिहड़ा संगत दी जिहड़ी अरदास जिस वास्ते आपां जुड़े हैं ना यह केवल एक दुनियाचारी नहीं कि आपां परिवार के मूँह मत्थे लगीए कि आपां आए हाँ पर गुरु नानक दे घर विच एक वादा है संसार समाज की जो रोह रीतां ने अपनी जगह पर इस संगत का जिहड़ा हिस्सा बन जाता है ना और इस संगत विच आके जिहड़े गुरु के दर्शन करके इत्थे आके दिल की भावना तो उस रूह के प्रति सत्कार वजो प्यार विचो वजद विच आके उहदे वास्ते अरदास कर देवे ना ते जिहड़ा अरदास करदा है ना दिलों किसी का भला मंगदा है क्योंकि गुरु नानक दे घर की अरदास ही आई है कि नानक नाम चढ़दे कला तेरे पाणे सरबत दा भला भला ही मंगदा है ना गुरु का सिख ते भला करदा है भला सोचदा है भला चितवदा है ते इत्थे भी आपां इही करना है कि सतगुरु जी सदानी जी पासों सदानी हरभजन कौर जी पासों जीवन यात्रा विच जाने अनजाने च कोई भुल कोई गलती अनगेली हो गई होवे ते सतगुरु इह सारी संगत दी अरदास है ते संगत दी अरदास संगत दा हुक्म भी गुरु नहीं मोड़दा ते आओ सारे मिलके अरदास विच जुड़ के अंतम श्लोक दे नाल जुड़ के कीर्तन दी आपां समाप्ति करांगे ते आई हुई एक एक संगत दे सतगुरु हाजरी दर ते प्रवान करे लेखे लगावे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सबका सेवादार भुल्लर साहब सामिंदर सिंह जी भुल्लर बहुत अजीज बहुत प्यार करते हैं गुरु घर के कीर्तनिया नेता प्रति अमृत वेले हाजरियां भरते हैं गुरु दरबार बंगला साहब भी सारे ही हाजरियां भर रहे आओ ये शब्द नाल जुड़ के आप कीर्तन की समाप्ति सारे दिलों जिन्हों जिन्हों शब्द याद हो सारे अरदास करना तो अंत विच केवल 2 मिनट का आप सिमरन भी जोड़ देवांगे उही अरदास बन जाएगी संगत दी जिन्हों शब्द ना याद हो पापी बड़े गुनेगार हो पापी बड़े गुनेगार
जल फेरा बौ ना पौ जल फेरा बौ ना पौ जल फेरा समरथ अकथ अपार निर्मल सारे जपो समरथ अगथ अपार निर्मल सुनहो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले को जन्म मरण निवार ले को रामकली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्यामली माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया सहज सिद्धि मन दिया वरदान रावतन परवार परिया शब्द गावड़े आया शब्दो तकाबो करे केरा मन जिने बसाया कहे नानक आनंदो सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे अतु सदा रोहणा नालो तू मन मेरे धूप सब सारणा अंगीकारो करे तेरा कर सतवा मांगला सम्राट स्वामी सुखो मन वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रोहना सचे साहिबा ध्यान नहीं करते रे करता तेरे सब जय जिसे भी सुपावे सरा सतरा तेरे नाम बसावे नाम जिनके मन वसया बाजे चुपने कहे नानक सचे साहिब ध्यान नहीं करते रे सचा नाम मिला आधारो सच नाम आधार मिला तेरे भूखा ਕਰਸਾਨ ਸੁਖਮਨੇ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਸਭੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸਭੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਬਦਲ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਗੇ ਕਰ ਤੂੰ ਬਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਟਾਰਿਆ ਪੰਡੂ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਕੁਛ ਨਾਮ ਬਗੇਲਾ कहे नानक तेज को आतिल करण दवाजे आनंद सरो बट पाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल पूरे दुख रोग संता पुत्र सुनी सच्ची बाणी संसा जन भय सच्चे पूरे सुनते पुनित कहते कोई सतगुरु रे अपन पूरे बिन मंत्र नानक को चरण लागे बाजे आनंद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत द्विसरा धोदाई दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत नानक ते मुखुजले